पल्लवी का जन्म एक संपन्न परिवार में हुआ था। इसके बावजूद उसे गरीबों का जीवन जीना पड़ता था। उसके माता पिता उसे बहुत सताते थे, अपनी ही बेटी के साथ सौतेला वाला व्यवहार करते थे। वही भाई राजू को खूब प्यार करते और हर सुख सुविधा देते। माँ, राजू को आलू पूरी और मुझे ये खिचड़ी क्यों? जो दिया है वो खा ले चुपचाप, वरना वो भी नहीं मिलेगा। और जा जाके घर के काम कर। नौकर है तो मैं क्यों करूं? अरे जहाँ शादी करके जाएगी वहाँ भी नौकर लेकर जाएगी क्या? जा जाके काम कर। पल्लवी को अपने माता पिता का बर्ताव बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन वो बेचारी करती भी तो क्या करती। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं और उसकी शादी की उम्र हो जाती है। अजी, पल्लवी की शादी की उम्र हो गई है, अब रिश्ता भी ढूंढना होगा। कहाँ जाऊँ रिश्ता ढूंढने, आज के जमाने में अच्छे घर में शादी करने जाऊँ तो 50 लाख दहेज मांगते हैं, और उसे 50 लाख दे दूंगा तो मेरे बेटे का क्या होगा। मैं तो कहती हूँ कर दो एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली में शादी, वैसे भी वो एडजस्ट कर लेगी। और होता भी ऐसा ही है, जीवन अपनी बेटी के लिए एक मिडिल क्लास फैमिली का लड़का ढूंढने जाते हैं और कुछ ही दिनों में उसकी शादी करके उसकी विदाई भी कर देते हैं। ससुराल जा तो रही है, लेकिन नाक मत कटा देना हमारी। वैसे भी बेटी की डोली ससुराल जाती है और ससुराल से वो अर्थी में ही निकलती है, समझ गई ना क्या कह रही हूँ मैं? जी माँ। वहीं ससुराल में पल्लवी का बहुत ही अच्छे से स्वागत किया जाता है। बहू, आज से तुम इस घर का हिस्सा हो। पहली बार पल्लवी को इतना अपनापन महसूस हुआ था और वो बहुत खुश थी। ऐसे ही एक दिन, पल्लवी तुम खाना बना लो, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है। जी ठीक है दीदी। इसके बाद पल्लवी सारा खाना बनाती है और खाने के समय, अरे खाना किसने बनाया आज, इसमें नमक बहुत कम है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं बना ये खाना। तभी पल्लवी रोने लगती है। मैंने बनाया है जी, गलती से हो गया ये सब, लेकिन प्लीज मुझे कोई सजा मत देना, आइंदा नहीं होगी ऐसी गलती। अरे तुम डर क्यों रही हो? हाँ भाभी, भैया ने तो बस आपसे पूछा है कि किसने बनाया है, और ये भला क्यों आपको मारेंगे? यहाँ कोई किसी को नहीं मारेगा बेटा, यहाँ तो ऊंची आवाज में बात तक नहीं की जाती, डरो मत। जी माँ जी। चलो कोई ना, आज बाहर से खाना ऑर्डर कर लेंगे, अब मुस्कुरा दो जल्दी से। पल्लवी के मायके में सभी उसे बुरा भला कहते हैं, उस पे अत्याचार करते हैं। वहीं अचानक से इतना प्यार मिलता हुआ देखकर पल्लवी को समझ ही नहीं आ रहा है, ये हो रहा है तो भाई क्या हो रहा है। फिर एक दिन पल्लवी की माँ का कॉल आता है। सुन पल्लवी, तू जल्दी से घर आ जा, तेरे लिए एक रिश्ता आया है, बड़े अमीर लोग हैं, वो दहेज भी नहीं लेंगे, बाकी उल्टा दहेज देंगे, जिससे तेरे भाई की जिंदगी सेट हो जाएगी। आप पागल हो गई हो क्या माँ? मैं ऑलरेडी शादीशुदा हूँ, और कितनी शादी करवाओगी मेरी? अरे क्या रखा है उस फटीचर गरीब के यहाँ, करोड़पति घर का रिश्ता आया है, ठाट से रहेगी, सोच ले। नहीं करनी मुझे कोई दूसरी शादी, अब जो है यही मेरा घर है। और सुनो, आज के बाद आप मुझे फोन भी नहीं करना, मर गई पल्लवी आपके लिए, अब से मेरा ससुराल ही मेरा संसार है। इसके बाद पल्लवी अपने सास के गले लगकर बहुत रोती है और इस बात का एहसास होता है उसे कि ससुराल मायके से बहुत अच्छा है।